सभी को नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इनको हम लोग कई बार एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और कई टॉपिक्स हैं जो जिनका क्रेडिट इनको जाता है। तो हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी टॉपिक आपके लिए कवर किए जा सके ताकि आप कर्ट लेविन को पूरी तरीके से जान जाएं और कर्ट लेविन से संबंधित कोई सवाल आपसे छूटे नहीं, उसके सवाल के जवाब आप दे सकें। तो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अंत तक देखेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कर्ट लेविन कहाँ कहाँ, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें की हैं जो पढ़ने योग्य हैं और जो हमको पढ़ाई जाती हैं। तो कर्ट लेविन जाने जाते हैं पहली बात तो क्या, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। लेकिन हमको ये जानना होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात सिर्फ कर्ट लेविन ने नहीं की है, जबकि जॉन डीवी ने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है और कोल्बे कोब्स का भी कंसेप्ट है कर्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। ठीक, तो हमको ये जानना होगा कि सिर्फ इन्होंने नहीं कहा है, हाँ इन्होंने भी कहा है। फिर फील्ड थ्योरी, जो मेनली जब हम लोग लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं जिसमें कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़नी होती है तो वहां पे हम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं। तो मेन कंसेप्ट मेन तो इनका फील्ड थ्योरी ही है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इनका नाम आता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स में कर्ट लेविन का नाम आता है, एक्शन रिसर्च में कर्ट लेविन का नाम आता है और कर्ट लेविन साहब को सोशल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है कि कर्ट लेविन इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर कर्ट लेविन ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने, कर्ट लेविन थ्योराइज्ड दैट लर्निंग अकर्स बेस्ट, यानी कि अधिगम सबसे बढ़िया कब होता है, कब होता है, व्हेन टेंशन एग्जिस्ट्स बिटवीन एक्सपीरियंस एंड थ्योरी, यानी कि जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, किसमें, जो कि हमारा अनुभव है और जो सिद्धांत है, एंड व्हेन ग्रुप्स आर इनकरेज्ड टू डाइसेक्ट दिस टेंशन थ्रू देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। और जो ग्रुप्स हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने ग्रुप पे बहुत, ग्रुप डायनेमिक्स पे बात की, इसलिए ग्रुप का नाम आ रहा है बार बार। एंड व्हेन ग्रुप्स आर इनकरेज्ड, और जब समूहों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उस टेंशन को डाइसेक्ट करें थ्रू देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो, क्यों सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात क्यों की है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है ना, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होगा, उसमें उसका सब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब एक्सपीरियंस में सब्जेक्टिविटी तो आनी ही है। तो अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू हमको टेंशन को डाइसेक्ट करना है। ओके, फिर लेविन्स टी ग्रुप्स द इंस्पिरेशन फॉर रिफ्लेक्शन सर्कल्स प्रोवाइडेड पार्टिसिपेंट्स अ स्पेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गिव फीडबैक इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। ग्रुप डायनेमिक्स है ना, यानी कि ग्रुप क्या है, ग्रुप स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मतलब स्थिर नहीं है बल्कि गतिमान है। गतिमान का मतलब कि वो सीख रहा है एक दूसरे से, टेंशन है, टेंशन डाइसेक्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उसके सोल्यूशंस मिल रहे हैं, उनके फीडबैक दिए जा रहे हैं। ओके, फिर लेविन वैल्यूड हेयर एंड नाउ एक्सपीरियंस टू वैलिडेट थ्योरी। ही ऑल्सो पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, यानी कि फीडबैक के कंसेप्ट को भी उन्होंने पायनियर किया, लैंडिंग टू द साइक्लिकल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझाने की कोशिश की है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, मूर्त अनुभव, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, हमने कुछ प्रेक्षण किया, कुछ हमारे रिफ्लेक्शंस हैं, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस, यानी कि कॉन्क्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट पर आ गए और एब्स्ट्रैक्ट के बाद टेस्टिंग इंप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन न्यू सिचुएशंस, यानी कि जो सिचुएशन बदलेगी तो हमने जो ये हमारे अमूर्त कॉन्सेप्ट बन गए उनकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी, और फिर क्या होगा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बनेगा। इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ये क्रम चलता रहता है, पहले मूर्त अनुभव, फिर प्रेक्षण और हमारा रिफ्लेक्शन उस पर होता है, फिर अमूर्त कंसेप्ट और उनका जनरलाइजेशन, और फिर उनकी टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद फिर से वो किसमें चले जाते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में। ओके, ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है। अच्छा, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो गई है ना, कि हमने कर्ट लेविन को ये जान लिया, मतलब हम इस बात से अनजान ना रह जाएं कि कर्ट लेविन ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात की है, मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। और ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर्ट लेविन ही नहीं कहते बल्कि ऑल साइकोलॉजिस्ट ने भी की है। फिर वो बात जिस पर सबसे ज्यादा कर्ट लेविन का इम्फेसिस है या कर्ट लेविन मुख्यतया जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है फील्ड थ्योरी, मतलब क्षेत्र सिद्धांत। तो कर्ट लेविन अनलाइक पावलोव, स्किनर एंड जेस्टाल्टियन साइकोलॉजिस्ट्स,
कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. मतलब पेवलोव ने चिल्ड्रन पे नहीं किया, चाइल्ड पे नहीं किया, स्किनर ने नहीं किया, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने नहीं किया, इन लोगों ने चाइल्ड पे तो नहीं किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, हम सब लोग जानते हैं है ना, उनके एनिमल्स पे थे, पर इन्होंने चाइल्ड पे किया. फिर क्या किया इन्होंने, ही यूटिलाइज्ड एन इलेबोरेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद अ व्यू टू कंट्रोल द चाइल्ड्स टोटल एनवायरमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फॉर गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. यानी कि इन्होंने जो वातावरण था बालक का उसको कंट्रोल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की. क्या क्या किया इन्होंने, लिविन एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एज ए फंक्शन ऑफ द टोटल फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन. मतलब लिविन इस बात पर जोर देते थे, जोर देते हैं अपने समय में, जो देते थे, आज की बात करेंगे तो जो देते थे क्या, कि जो हमारा व्यवहार का अध्ययन है वो व्यवहार का अध्ययन किसका गुणनफल है, गुणनफल का मतलब किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, टोटल फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन. यानी हमारी जो पूरी भौतिक और सामाजिक दशाएं हैं उन पर ही निर्भर करता है क्या, हमारा व्यवहार. फिर लिविन होल्ड्स दैट साइकोलॉजिकल लॉज नीड नॉट बी फॉर्मुलेटेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से हमको साइकोलॉजिकल लॉज निकालने चाहिए कि 100 में से 80 लोग वही करते हैं तो हम उसका एवरेज निकाल लें कि हाँ मोस्टली लोग ऐसे करते हैं. नहीं, इंडिविजुअल केस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि हर प्रत्येक केस इंपॉर्टेंट है और हमको उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए. हम सिर्फ एवरेज के हिसाब से लॉ नहीं बना सकते हैं. और क्या कह रहे हैं वो, इवन इफ ऑल जनरल साइकोलॉजिस्ट लॉज वर नोन वी वुड स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड टोटल सिचुएशन इन विच ही एग्जिस्ट बिफोर वी कुड मेक एनी प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर. यानी कि वो कह रहे हैं कि हमको साइकोलॉजिकल लॉज पता है, उसके बाद भी हमको, चूंकि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है और लॉज आपको निकाले गए, हो सकता है एवरेज के थ्रू निकाल दिए गए हों, तो हमको किसी इंडिविजुअल की जब हम बात करेंगे तो हमको उसकी टोटल सिचुएशन देखनी है, तभी हम उसका बारे में कोई फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और जो उसकी टोटल सिचुएशन है उसमें क्या आएगा, उसकी कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल लाइफ. ओके, फिर क्या कह रहे हैं, दस लिविंग फेवर्स एन इडियोग्राफिक साइकोलॉजी इन विच द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल. इसका मतलब कि वो किस मनोविज्ञान पर फोकस करते हैं, इडियोग्राफिक, जिसमें कि प्रत्येक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, एज अपोज्ड टू नोमोथेटिक साइकोलॉजी. मतलब नोमोथेटिक साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, जहां पे हम सांख्यिकीय माध्य के हिसाब से बात करते हैं. यानी कि वो सांख्यिकीय माध्य पे नहीं फोकस किया उन्होंने और इडियोग्राफिक साइकोलॉजी पे उन्होंने फोकस किया, या उसको फेवर किया, उसके पक्ष में रहे, जहां पे प्रत्येक इंडिविजुअल को फेवर किया जाएगा या फोकस किया जाएगा. इसके अलावा, अच्छा, जब हम लिविन की फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हमको जानना पड़ेगा कि उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स दूसरे डिसिप्लिन से बोरो किए, जैसे फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, और आगे आप जानेंगे क्या क्या किया उन्होंने. लिविन ड्रू फ्रॉम फिजिक्स, उन्होंने भौतिकी से कॉन्सेप्ट लिया है, एंड मैथमेटिक्स, गणित से लिया है. किसके लिए, टू कंस्ट्रक्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी का निर्माण करने के लिए. तो फिजिक्स से क्या लिया उन्होंने, फ्रॉम फिजिक्स ही लाइक द जेस्टाल्टिस्ट, यानी कि जैसे जेस्टाल्टवादियों ने किया था, बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फील्ड. क्यों, जेस्टाल्ट ने कौन सी फील्ड को बोरो किया था, जब वो कहते हैं ना कि पूरा जो टोटैलिटी में जरूरी है, जो परसेप्शन होता है वो हम टोटैलिटी का करते हैं, तो टोटल क्या है, फील्ड है ना, जो परसेप्चुअल फील्ड की वो बात करते हैं. तो जेस्टाल्टवादियों ने भी फिजिक्स से फील्ड का कॉन्सेप्ट लिया और कर्ट लिविन ने भी लिया है. कैसे, पोजिटिंग अ साइकोलॉजिकल फील्ड और लाइफ स्पेस, जिसको कि वो लाइफ स्पेस का नाम दे रहे हैं, एज द लोकस ऑफ ए पर्सन्स एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स. और ये लाइफ स्पेस है क्या, पूरा मुख्य बिंदु है किसका, मनुष्य के, व्यक्ति के सारे अनुभवों और उसकी सारी आवश्यकताओं का. फिर द लाइफ स्पेस बिकम्स increasingly differentiated as experiences accrue. यानी कि हमारा life space differentiate होता जाता है जैसे जैसे हम अनुभव उसमें जुड़ते जाते हैं. फिर और उन्होंने और किससे लिया, मैथमेटिक्स से क्या लिया, लिविन अडेप्टेड ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री नोन एज टोपोलॉजी. फिर उन्होंने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री की ब्रांच से टोपोलॉजी का, जो टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है, उससे इन्होंने कंसेप्ट लिया. कौन सा कंसेप्ट, टू मैप द स्पेशियल रिलेशनशिप्स ऑफ गोल्स एंड सॉल्यूशंस कंटेन्ड इन रीजंस विद इन ए लाइफ स्पेस. यानी कि जो हमारा लाइफ स्पेस है उसमें जो ज्योमेट्री की एक शाखा है टोपोलॉजी, जो हमको ये बताती है कि स्पेशियल रिलेशनशिप ना, यानी आकाशीय हमारे संबंध, आकाशीय संबंध का मतलब कि किस दिशा में जा रहे हैं, धन दिशा में जा रहे हैं कि ऋण दिशा में जा रहे हैं, इस तरीके का कंसेप्ट लेने के लिए उन्होंने टोपोलॉजी का सहारा लिया. फिर हिज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ स्पेस ऑल्सो अकाउंटेड फॉर डायरेक्शंस ऑफ पाथवेज टुवर्ड अ गोल एंड अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टुवर्ड अ गिवन ऑब्जेक्ट इन दिस स्पेस, है ना.
क्योंकि हम लोग ये गणित में पढ़ते हैं ना कि धन चिन्ह है यानी कि अट्रैक्शन है, ऋण चिन्ह का मतलब है कि हमको प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो हम ये सब जानते हैं मैथ्स में कि धन धन जुड़ जाता है, धन ऋण घट जाता है। धन और ऋण हम जब जोड़ेंगे तो चिन्ह हमारा किसका आएगा, ऋण का, और वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स में ना। तो यहां से ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बोरो किए। फिर क्या कहा इन्होंने, ही ऑल्सो पोस्टुलेटेड दैट पर्सन स्ट्राइव टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद देयर एनवायरमेंट, यानी कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो सामंजस्य संतुलन बनाना चाहता है किसके साथ, एनवायरमेंट के संग। तो क्या होता है, टेंशन अराइज होता है। टेंशन क्यों अराइज होता है, जब हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो एक टेंशन अराइज होता है, और जब टेंशन अराइज होता है तो हम उस टेंशन को दूर करने के लिए काम करते हैं। वही क्या है, लर्निंग है, किसके टर्म्स में, कर्ट लिविंग। समझ में आ गई बात, लाइफ स्पेस है, अभी आपको आगे डायग्राम से समझ में आएगा। लाइफ स्पेस है, उसमें हमारा फोर्सेस लग रहे हैं, रिपल्शन अट्रैक्शन के फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम बना हुआ है, कोई नया उसमें वेरिएबल इंक्लूड होता है तो टेंशन हमारा अराइज होता है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो उस टेंशन को दूर करने के लिए हम फिर से सामान्य स्थिति में जाने के लिए प्रयास करते हैं, और ये जो हम प्रयास करने में सीखते हैं वही लर्निंग है, इन अकॉर्डेंस टू कर्ट लिविन। ओके, अच्छा, यही लिखा है इसमें कि विद ए टेंशन विल स्टिमुलेट लोकोमोशन टू री इंस्टेट द इक्विलिब्रियम, है ना, कि वापस से अपने इक्विलिब्रियम को पाने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। फिर लिविन एडेप्टेड हिज फील्ड थ्योरी टू द एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी थ्रू हिज थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान, ग्रुप डायनेमिक्स, सबको इन्होंने फील्ड थ्योरी में स्थान दिया है। फिर लिविन डिस्क्राइब्स हिज व्यू पॉइंट इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, जब आप लिविन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर अधूरा होगा, अधूरा माना जाएगा। इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। देखिए, साइकोलॉजी में फॉर्मूला, इसका मतलब मैथमेटिक्स से बोरो किया गया कंसेप्ट है ना। वैसे हम लोग मनोविज्ञान में और इस तरह में कोई फॉर्मूला सच नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बताया, क्या बताया, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ स्मॉल बी है और यहाँ कैपिटल बी है, ये भी कैपिटल बी होना चाहिए था। कैपिटल बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी, जब पी और ई के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब पी और ई के बीच में गुणा का साइन है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मैथ्स जिसको आती है। तो बी क्या है, रिप्रेजेंट्स बिहेवियर, यानी ये व्यवहार को प्रदर्शित करता है। एफ क्या है, एफ इज ए फंक्शन। अब फंक्शन हम यहां गुणा तो करने नहीं जाएंगे पर्सन को और एनवायरमेंट को, तो गुणा का मतलब है, फंक्शन का मतलब है डिपेंड करता है। ओके, तो बी रिप्रेजेंट्स बिहेवियर, एफ इज ए फंक्शन, पी इज द पर्सन एंड ई इज द टोटल एनवायरमेंट सिचुएशन। इसका मतलब कर्ट लिविन ने कहा कि व्यक्ति जो व्यवहार परिलक्षित करता है वो किस पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर और उसका टोटल एनवायरमेंट सिचुएशन है, यानी उसकी जो पूरी पर्यावरणीय स्थिति उसके इर्द गिर्द है उनके गुणनफल पर निर्भर करता है, यानी उन पर निर्भर करता है। ओके, अच्छा, तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले का जिक्र हमको अपने आंसर में करना चाहिए, या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं कि b इज इक्वल टू एफ पी इन टू ई, तो इसमें b क्या है, या p क्या है, e क्या है, f क्या है, तो सारे टर्मिनोलॉजी, सारे टर्म्स जो यूज हुए उनके आपको मान पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ठीक, अच्छा, फिर लिविन एक्सप्लेन्स द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेस, यानी कि लिविन ने व्यक्ति के व्यवहार को किस पर आधारित, किसके आधार पर व्याख्यायित किया है, लाइफ स्पेस के आधार पे। फिर लाइफ स्पेस है क्या, एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पेस डिपेंड्स ऑन हिज साइकोलॉजिकल फोर्स, यानी कि हमारा आपका जो लाइफ स्पेस होता है वो निर्भर किस पर करता है, हमारे मनोवैज्ञानिक फोर्स पे। ओके, इट इंक्लूड्स द पर्सन, तो इसमें मनोवैज्ञानिक में आप सोच सकते हैं जो कुछ वो सब आ जाएगा, जैसे इट इंक्लूड the person, व्यक्ति आएगा, his drives, जो जो हमारे अंदर से ड्राइव निकल रही है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, motivations जितने प्रकार के हैं जो हमको चलाने के लिए जरूरत है, वो सारी drives, सारा tension कि examination है उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है, और जितने तरीके के tensions हैं वो सब कुछ, thoughts, हम जो भी सोच रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आप उससे परे हैं, वो आपके लाइफ स्पेस में इंक्लूडेड रहता है, एंड हिज एनवायरमेंट, और हमारा वातावरण। अब वातावरण में क्या आएगा, विच कंसिस्ट ऑफ परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, वो सब कुछ वस्तुएं और वो सारी घटनाएं जो हो रही है हमारे वातावरण में, इतना कुछ है, मतलब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि हमारे साइकोलॉजिकल फोर्स और लाइफ स्पेस में सब कुछ आता है, और वो सब निर्भर, वो सब कारक बनता है ये कि हम किस तरीके का व्यवहार करेंगे। फिर
लिव इन, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर लिव इन रिप्रेजेंट्स हिज थ्योरी थ्रू अ डायग्राम, वही डायग्राम जिसकी भी बात की थी, वो डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। लिव इन रिप्रेजेंट्स हिज थ्योरी थ्रू अ डायग्राम इन विच एन इंडिविजुअल इज इन द सेंटर, व्यक्ति क्या है केंद्र में। ही मूव्स थ्रू हिज लाइफ स्पेस, और कहां वो मूव करता है, सारा कुछ उसका आवागमन किसमें हो रहा है, उसके लाइफ स्पेस में। उस वो बना किससे है, विच कंसिस्ट ऑफ द टोटैलिटी ऑफ फैक्ट्स, वो सारी घटनाएं, वो सारी गणनाएं उस की टोटैलिटी, दैट डिटरमाइन हिज बिहेवियर एट अ गिवन टाइम, जो उसके पर्टिकुलर टाइम पर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। फिर अ लाइफ स्पेस कंटेन्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, बात हो गई कि लाइफ स्पेस में व्यक्ति खुद रहेगा, और क्या रहेगा, द गोल्स ही इज सीकिंग, वो उसके लक्ष्य रहेंगे जिनकी ओर वो चाहता है कि वो उसको मिल जाए, यानी वो उनकी तरफ उसको वाइब्स कैसे मिलेगी, पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि धन का चिन्ह लगेगा। फिर और अवॉइडिंग, है ना, कुछ ऐसे भी गोल्स होंगे जिनसे वो दूर रहना चाहता होगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वहां से कैसी वाइब्स या बैलेंस आएगा, नेगेटिव, दैट बैरियर्स, द बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल मूवमेंट, और क्या होगा, व्यक्ति के गति को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बैरियर भी होंगे ना। हम चाहते हैं कि हम रात में देर तक जगकर पढ़ लें, लेकिन हम दिन भर में बहुत जैसे थक जाते हैं, है ना, तो हम जब बिस्तर पर जाते हैं हमें नींद आ जाती है, तो ये क्या है, बैरियर है, हमको इसको दूर करना है कि हमको कुछ अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा कुछ। और क्या बैरियर है, हम चाहते तो हैं कि मोबाइल उठाएं तो हम पढ़ें, लेकिन हम उसमें कुछ और देखने लगते हैं, मोबाइल, है ना, मोबाइल में तो ये सबसे बड़ा द्वंद है हमारा कि हम मोबाइल उठाएं तो वही देखें जो हम देखना चाहते हैं, हम वो सब कुछ देख लेते हैं जो हमें बहुत जरूरी नहीं है, फिर जब हम अपने टाइम पर आते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है मोबाइल देखने का, है ना, तो ये बैरियर है। एंड द पाथ ही मस्ट फॉलो टू रीच हिज गोल, और वो रास्ता जो उसको फॉलो करना है उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मतलब क्या क्या है लाइफ स्पेस में, इंडिविजुअल है, उसके गोल्स हैं, गोल्स तक पहुंचने में जो बैरियर है, और वो रास्ता है जो उसको गोल तक पहुंचाएगा। फिर क्या है, डिजायर क्रिएट्स टेंशंस, जो हमारी इच्छाएं हैं वही तो टेंशन क्रिएट करती है ना, सब कुछ हमारा वातावरण में स्थिर चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम कुछ चाहते हैं तो उसको पाने के लिए हम, तो वो टेंशन क्रिएट करता है, और उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ मूवमेंट करते हैं ताकि हम अपने इक्विलिब्रियम को पा सकें, है ना। तो डिजायर क्रिएट्स टेंशंस इन द इंडिविजुअल एंड टेंशंस कम टू अ बैलेंसिंग स्टेट एंड द पर्सन एक्ट्स, है ना, कि डिजायर क्रिएट करता है टेंशन में, डिजायर क्रिएट करता है इंडिविजुअल में टेंशन, और टेंशन चूंकि बैलेंसिंग स्टेट में आने के लिए पर्सन कोई काम करता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। फिर आफ्टर द गोल हैज बीन अचीव्ड, जब हम लक्ष्य को पा लेते हैं तो क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म रिटर्न्स टू ए स्टेट ऑफ रिपोज अंटिल अ न्यू डिजायर एक्टिवेट्स हिम, यानी कि देखो डिजायर हुई मन में तो टेंशन आया तो हमने उस टेंशन को रिजोल्व करने के लिए काम किया, और जब हमने काम कर लिया तो हम वापस से साम्य की स्थिति में आ गए, और तब तक हम साम्य की स्थिति में रहते हैं जब तक कि दूसरी डिजायर नहीं आती, और वो फिर कोई टेंशन रोज नहीं करती जिसके लिए हम काम कर सकें। ओके, फिर इन लिविंग्स थ्योरी थ्रेट गोल एंड बैरियर आर द मेन फैक्टर्स, एन इंडिविजुअल हु हैज टू अचीव सम गोल हैज टू क्रॉस अ बैरियर, जब भी हमको कोई गोल को पाना चाहेंगे तो हमको कोई ना कोई बैरियर है जो क्रॉस करना पड़ेगा। द बैरियर मे बी साइकोलॉजिकल और फिजिकल, साइकोलॉजिकल हो सकता है मनोवैज्ञानिक या भौतिकी, आपके शरीर से संबंधित हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके फिजिक में कोई प्रॉब्लम है, आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। फिर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द बैरियर ऑफ द लाइफ स्पेस ऑफ एन इंडिविजुअल कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, क्योंकि बार बार बैरियर में चेंज हो रहा है, बार बार हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पेस में उस पर कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन चलता रहता है, पुनर्गठन चलता रहता है। फिर लिविंग थ्योरी इज कॉल्ड फील्ड थ्योरी, एज टू अ साइकोलॉजिस्ट फील्ड मीन्स द टोटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड इन विच अ पर्सन लिव्स एट अ सर्टेन टाइम, यानी कि लिविंग की जो फील्ड थ्योरी है वो किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से क्या है, एक पूरा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है जिसमें कि एक पर्सन एक निश्चित समय पर रहता है। और क्या क्या है इसमें, इट इंक्लूड्स मैटर्स एंड इवेंट्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, एक्चुअल एंड इमेजिनरी, ऑल इंटरप्रेटेड एट साइमल्टेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, मैटर्स एंड इवेंट्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी हमारे भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है, प्रेजेंट में जो घटित हो रहा है, और भविष्य में जो घटित होने वाला है, उस सबसे रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। फिर लिविंग स्टेट्स दैट ईच पर्सन एग्जिस्ट विद इन ए फील्ड ऑफ फोर्सेस, लिविंग ने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो किसी बल के उसमें रहता है, मतलब बल, द फील्ड ऑफ फोर्सेस टू विच द इंडिविजुअल इज रेस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग इज कॉल्ड हिज लाइफ स्पेस, यानी वो जो फोर्सेस का फील्ड है वो जिसके लिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है वही उसका क्या होता है, लाइफ स्पेस। फिर सॉरी यहां थोड़ा सा शोर आ रहा है, अभी शांत हो जाएगा। लिविंग्स थ्योरी रिगार्ड्स लर्निंग एज ए रिलेटिविस्टिक प्रोसेस,
तो लीविंग की थ्योरी ने लर्निंग को क्या कहा है? रिलेटिविस्टिक प्रोसेस है, मतलब रिलेटिव है ना, बाई विच अ लर्नर डेवलप्स न्यू इंसाइट और चेंज ओल्ड वंस, जिसमें कि लर्नर क्या करता है, अधिगम करता क्या करता है, नई इंसाइट को डेवलप करता है और पुरानी में परिवर्तन करता है. ठीक, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लर्निंग इज नॉट अ मैकेनिस्टिक प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज विद इन अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. कौन कहता था कि स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स जो कनेक्ट हो रहे हैं मैकेनिस्टिक प्रोसेस से, हम लोग जानते हैं ना क्लासिकल कंडीशनिंग में बात की जा रही है कि बस एक स्टिमुलस और एक रेस्पॉन्स आके मैकेनिकली जुड़ गए तो लर्निंग हो गई. लेकिन नहीं, फील्ड थ्योरी ये नहीं कहती. फील्ड थ्योरी क्या कहती है? फील्ड साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट एज अ चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्पेस. आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जेस्टाल्ट से थोड़ा बहुत इनका रिलेशनशिप है ना, कि वो उन्होंने भी फील्ड की बात की, इन्होंने भी फील्ड की बात की है. लेकिन जेस्टाल्ट ने बात तो की है इनसाइट की, लेकिन फील्ड थ्योरी या कर्ट लेविन इनसाइट कैसे डेवलप होता है बताते हैं. ये कहते हैं इनसाइट तब डेवलप होता है जब हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी लाइफ स्पेस के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, तब हमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है. ठीक है, ये देखिए वो डायग्राम जिसकी भी बात की जा रही थी. ये देखिए, ये पर्सन है, ये इसका गोल है, और ये वेक्टर है, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा है, और ये ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये इसको गोल की तरफ ले जा रहा है व्यक्ति को. इसकी दिशा देखिए गोल की तरफ है ना, और इसकी दिशा गोल के विपरीत है, यानी गोल से इसको वापस ले जा रही है. और ये क्या है? बैरियर. बीच में देखिए पर्सन और गोल के बीच में लगा हुआ बैरियर. फिर ये जो जिसमें व्यक्ति वेक्टर ये सब कुछ आ रहा है वो उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और ये जो जैसे अंडाकार बना हुआ ये इसका बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस है, और लीविंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रदर्शित करने का ये डायग्राम है. तो जब आप कर्ट की फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बताएंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए. ठीक, अच्छा थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, लेकिन सारी चीजें एक साथ बताने के लिए मैं कोशिश किया कि सब कुछ एक साथ कर दूं आपको तो बेहतर रहेगा. फिर लीविंग्स थ्योरी रिगार्ड्स लर्निंग एज अ रिलेटिविस्टिक प्रोसेस बाय विच, अच्छा ये उसी का दोहराव है, ठीक है इसकी जरूरत नहीं है. फिर लीविंग्स थ्योरी में बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर, लीविंग्स थ्योरी को हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज अ पर्सन पी, एक पर्सन पी है, इज मूविंग टुवर्ड्स अ गोल ऑफ गेटिंग सोशल रिकग्निशन. उसका गोल क्या है कि उसको सामाजिक पहचान चाहिए. बट टू अचीव द गोल ही हैज टू अपोलॉजीज, पर उस गोल को पाने के लिए उसको किसी से माफी मांगनी पड़ेगी. तो क्या करेगा वो? न्यू आस्किंग फॉर अपोलॉजीज द बैरियर कमिंग इन हिज वे. द बैरियर मे बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फोर्सेज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रीचिंग द गोल. दीज फोर्सेज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ए पैटर्न विच डिटरमाइंस हिज फ्यूचर बिहेवियर. मतलब कि हमारा पर्सन पी है, उसका कोई गोल है, उस गोल और उसके बीच में बैरियर है, तो उस बैरियर को अगर रिमूव करके वो गोल तक पहुंच जाता है तो उसका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर बिहेवियर उसका क्या होगा, कि फिर से वो अगर उस तरीके का बैरियर आएगा तो उसको उस तरीके से वो हटा सकता है, यानी कि ये एक लर्निंग उसको हो जाएगी. फिर अगर हमने इतना सब कुछ फील्ड थ्योरी के बारे में जान लिया तो हम लर्निंग को लीविंग के टर्म्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि लर्निंग की तो हर किसी ने डेफिनेशन दी ना. स्किनर ने भी लर्निंग की डेफिनेशन दी है, पावलोव ने भी दी है, पर लेविन ने कैसे दी है? कैसे दी है? लर्निंग इज ए चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तब हम सीखते हैं, पहली बात. दूसरी क्या? लर्निंग इज ए चेंज इन मोटिवेशन, यानी हमारे अभिप्रेरणा के स्तर में बदलाव है, दैट इज इन बैलेंसेज एंड वैल्यूज. फिर लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जो हमारा कौशल है उसका अधिग्रहण है सीखना. फिर लर्निंग इज ए चेंज इन ग्रुप बिलोंगिंग, है ना, ग्रुप हमारा, क्योंकि ग्रुप को इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है, ग्रुप डायनेमिक्स की बात की है, इसलिए इन्होंने लर्निंग में भी ग्रुप का कंसेप्ट लाया कि ग्रुप बिलोंगिंग में जब हम चेंज करते हैं तब हम सीखते हैं. फिर लर्निंग ऑफ ऑल टाइप्स इन्वॉल्व्स चेंज इन परसेप्शन, यहाँ पे फिर ये जेस्टाल्ट वादी से समकक्षता अपनी समानता स्थापित कर रहे हैं कि लर्निंग किसी भी प्रकार की लर्निंग है उसका मतलब है कि हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है उसमें बदलाव है तो लर्निंग है. ओके, फिर चेंजेस इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर कॉज्ड बाय द फोर्सेस इन द साइकोलॉजिकल फील्ड. चेंज, फिर हम कहेंगे कि लर्निंग इज अ चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तो है, पर कब होता है ये चेंज, उसका कारण क्या है, कौन से कारण है? नीड्स, हमारी आवश्यकताएं, एस्पिरेशन, हमारी आकांक्षाएं, एंड बैलेंसेज, जो संयोजकताएं उसमें लगी हुई है प्लस या माइनस वाली. फिर लीविंग थिंग्स दैट लेवल ऑफ एस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स. टू हायर और टू लेवल ऑफ टू लोअर होना चाहिए था यहाँ पे, लेवल ऑफ एस्पिरेशन डिस्करेजेस लर्निंग, यानी कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो एस्पिरेशन है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, वो बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए, यथार्थ से उसका मिलन होना चाहिए. फिर मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीविंग्स फील्ड थ्योरी, मेन कॉन्सेप्ट्स देखिए कौन कौन से. पहली बात तो मेन कॉन्सेप्ट यूज इन लीविंग्स फील्ड थ्योरी आर एज फॉलोज. टोपोलॉजिकल, है ना,
इट इज टोपोलॉजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोपोलॉजिकल. तो टोपोलॉजिकल से हमने क्या क्या लिया है, जो ज्योमेट्री की शाखा थी, कनेक्टेडनेस एंड पार्ट होल रिलेशनशिप्स, यानी कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, और पार्ट होल यानी कि संपूर्ण और उसके पार्ट का रिलेशनशिप. फिर वेक्टर, वेक्टर क्या है, फोर्स है. फोर्स क्या, जो हमको उसकी तरफ ले जा रहा है, गोल की तरफ, या गोल से दूर कर रहा है, वो क्या है, वेक्टर. फिर क्या, लाइफ स्पेस. लाइफ स्पेस हम जान गए, साइकोलॉजिकल फील्ड जिसमें सब कुछ आ जाएगा, उसका ड्राइव, टेंशन, एस्पिरेशन, है ना, सिचुएशन, सब कुछ. पर्सन, पर्सन इटसेल्फ. वैलेंस, वैलेंस क्या, व्हेन ए पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए पॉजिटिव वैलेंस, यानी कि अगर किसी वस्तु से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमको वहां से पॉजिटिव वैलेंस मिलती है, किसी से हमको रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है तो नेगेटिव वैलेंस. फिर उसी को इन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया है कि लिविन स्पेसिफाइज थ्री चीफ काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तीन मुख्य प्रकार के द्वंद बताए उन्होंने. कौन कौन से, टू पॉजिटिव वैलेंस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो चीजें हैं जो दोनों ही हमको इक्वली अट्रैक्ट कर रही है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन सा करें कौन सा ना करें. जैसे सच एज मैंने, चाइल्ड हैज टू चूज बिटवीन गोइंग टू पिकनिक एंड प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, कि पिकनिक जाएं कि दोस्तों के संग खेलें, दोनों ही चीजें पसंद है तो कौन सा करें. फिर अ साइमल्टेनियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जैसे सच एज व्हेन अ चाइल्ड इज ऑफर्ड फॉर अ रिवॉर्ड फॉर द स्कूल टास्क ही डज नॉट विश टू परफॉर्म, मतलब उसको मन नहीं है करने का, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा. तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. फिर टू नेगेटिव, टू नेगेटिव कोई नहीं करना चाहता लेकिन कोई ये करना है. कैसे, सच एज व्हेन अ चाइल्ड इज थ्रेटेंड विद पनिशमेंट इफ ही डज नॉट डू अ टास्क विच इज डज नॉट विश टू परफॉर्म, मतलब एक काम जो वो नहीं करना चाहता उसको कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, मतलब दोनों ही तरीके से नेगेटिव है. ठीक. फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बिहेवियर, बैरियर, गोल, ये कई चीज रिपीटेटिव हो गई है, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है. टेंशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, हम लोगों ने कई बार बात करी. क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ फील्ड थ्योरी, इसका शैक्षिक निहितार्थ है ना, क्योंकि जब हमसे सवाल पूछते हैं, जब थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्ट की फील्ड, कर्ट लिविन की फील्ड थ्योरी बताइए और उसका शैक्षिक निहितार्थ भी बताइए. तो क्या शैक्षिक निहितार्थ होगा इसका, टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द फील्ड थ्योरी एज अ होल, द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इम्प्लीकेशंस इंक्लूड द सिग्निफिकेंस ऑफ सीइंग द टोटल सिचुएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन एन एक्टिविटी. यहां पे फिर ये जेस्टाल्ट से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, क्योंकि जेस्टाल्ट का भी आप जब क्लासरूम इम्प्लीकेशन बताएंगे पढ़ेंगे तो वो भी ये बताता है कि हम एज अ होल चीजों को देते हैं, इन द बिगिनिंग टोटैलिटी में देते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, फिर उसको ब्रेक इन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में. फिर द टीचर शुड प्रीव्यू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व एंड द प्रॉब्लम टू बी इनकाउंटर्ड, यानी कि हमको एक दृश्य, आपका परिदृश्य पहले ही आपके सामने रख देना चाहिए. फिर मोर ओवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए फील्ड थ्योरिस्ट, द टीचर शुड keep in mind that the student, the teacher himself, other teachers, the school and the peer group are all parts of the total situation. यानी कि हमको पूरी वो situation की कल्पना करके छात्र को deal करना चाहिए कि उसका life space क्या है. फिर the need for seeing the whole and details of the situation is very necessary, है ना, कि हमको पूरा जानकारी होनी चाहिए. द टीचर मस्ट असिस्ट द स्टूडेंट्स टू परसीव टू द गोल एंड द बैरियर, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि छात्र है उसका कोई गोल है तो कोई बैरियर भी होगा, कैसे हम बैरियर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं, ये सारी चीजें शैक्षिक निर्धारण में आएंगी, यानी कि हम एक छात्र को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. और क्या, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का लिविन ने क्या फॉर्मूला बताया, कि अकॉर्डिंग टू लिविन द लर्नर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन टू रिवॉर्ड्स मे रिजॉर्ट टू शॉर्टेस्ट मेथड्स, है ना, कि इनाम पाने के लिए हम, हो सकता है कि लर्नर जो है वो सबसे छोटा तरीका अडॉप्ट करे. पर फॉर एग्जाम्पल टू गेट डिस्टिंक्शन इन द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट मे लाइक टू चीट, वो चाह सकता है कि वो मदद कर, मतलब किसी से नकल कर ले. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू पुट सम बैरियर्स ओवर द रिवॉर्ड सिचुएशन टू अवॉइड एक्सेस टू सच शॉर्ट मेथड्स, यानी कि उन इनामों के पहले हमको कोई बैरियर लगाना होगा, मतलब हम स्ट्रिक्ट, हम विजिलेंस रहेंगे ताकि वो नकल ना कर सके और नकल करके पास होके अच्छे नंबर से उसको इनाम ना मिल जाए. उसी तरह से इन द केस ऑफ पनिशमेंट हाउएवर देयर इज अ टेंडेंसी टू लीव द फील्ड बिकॉज ऑफ द अनप्लीजेंटनेस ऑफ द टास्क अनलेस सम स्ट्रांग बैरियर्स आर देयर टू कीप वन. ये हो जाए कि हम एग्जाम ही नहीं देंगे, ना एग्जाम देंगे ना फेल होंगे, तो हमको एक बैरियर लगाना पड़ेगा कि नहीं एग्जाम देना जरूरी है ना, इस तरीके का. फिर सक्सेस एंड फेलियर, है ना, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लर्नर शोज द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज. क्या होगा सक्सेस, कि हमने अगर बैरियर को क्रॉस करके गोल तक पहुंच गए तो सक्सेस, अगर बैरियर मतलब कि हमारा पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स से ज्यादा है तब तो सक्सेस, लेकिन नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स को ओवरकम कर देगा तो हम फेल हो जाएंगे. ओके. उसी तरह से मोटिवेशन, वैलेंस, मेमोरी, है ना, तो ये आपका मैटर है यहाँ पे, आप इसको देख लें. एक्शन रिसर्च,
हम फील्ड थ्योरी को अब खत्म कर रहे हैं ना, फील्ड थ्योरी को हमने पढ़ लिया, आई थिंक आप फील्ड थ्योरी समझ गए होंगे। फील्ड थ्योरी में पर्सन है, पर्सन का लाइफ स्पेस है, सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन जब हमारे मन में कोई इच्छा आती है तो टेंशन अराइज होती है, जब टेंशन अराइज होती है तो इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी जो शांति थी उसको पुनः वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं गोल के प्रति, गोल की तरफ, लेकिन गोल और हमारे बीच में मिलता है बैरियर, और उस बैरियर को हमको ओवरकम करके गोल तक पहुंचना है, और इसमें जो सारे काम हो रहे हैं वही लर्निंग है। ओके, ठीक। अब एक्शन रिसर्च जान लें, क्योंकि एक्शन रिसर्च का नाम कर्ट लीविन से जुड़ा हुआ है, कि एक्शन रिसर्च क्या है। लीविन एक्शन रिसर्च अप्रोच Approach is linked to T groups introduced during the 1940s. It was seen as an important innovation in research methods and was especially used in industry and education. है ना? अब action research क्या है? सब क्या है action research? Action research involves experimenting by making changes and simultaneously studying the results in a cyclic process of planning, action and fact gathering. Action research हम सब लोग जानते हैं कि वो कोई ऐसा हमको अनुसंधान करना है जिसमें हम तात्कालिक समस्याओं के सुधार या समाधान खोज सके, इसलिए ये चक्रीय प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सुनियोजन योजना बनाते हैं, एक्शन काम करते हैं, फैक्ट गैदरिंग करते हैं और उसके लिए तथ्य एकत्रित करते हैं। फिर लीविन्स अप्रोच एम्फेसाइज्ड दैट पावर रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड दोज रिसर्च्ड एंड ही सॉट टू इन्वॉल्व द लेटर इनकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ देयर ओन एक्शंस आइडेंटिफाइंग ऑफ देयर ओन बायसेस एंड वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप्स इन देयर कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक्शन रिसर्च सेंटर्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी अंडर रिसर्च एंड ऑन द परस्यूट ऑफ सेपरेट बट साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड इवोल्यूशन। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान का टर्म कर्ट लीविन द्वारा दिया गया है, और कर्ट लीविन ये कहते हैं कि हमको साइक्लिक प्रोसेस में चलना है, यानी कि प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फैक्ट गैदरिंग करेंगे, फिर कुछ गड़बड़ आएगा, फिर प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, इस तरह से ये हमारा चक्र चलता रहेगा। और इसके लिए खास बात ये होती है कि ये तात्कालिक इसमें सुधार आपको मिल जाता है। फिर ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स का भी नाम कर्ट लीविन से जुड़ा है। कर्ट लीविन ने क्या कहा कि ग्रुप डायनेमिक्स आर द इन्फ्लुएंशियल एक्शंस प्रोसेसेस एंड चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ग्रुप्स, है ना, यानी कि जो समूहों में हमको इन्फ्लुएंशियल एक्शन या प्रोसेस और चेंज होता है वो सब कुछ ग्रुप डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। मच ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड बाय पीपल वर्किंग विद अदर्स इन ग्रुप्स एंड द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस विद इन दीज ग्रुप्स, यानी कि संसार का बहुत सारा काम कब निकल के आता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह में काम करते हैं, तो वो सारी संक्रियाएं जो एक समूह के अंतर्गत चलती हैं उसको ग्रुप डायनेमिक्स का नाम दिया गया। सॉरी हाँ, बहुत बैकग्राउंड आज शोर है रिकॉर्डिंग के समय। It was the eminent social scientist Kurt Lewin who used the term group dynamics to describe, क्या describe कर रहे हैं, the powerful and complex social processes that emerge in groups. यानी वो शक्तिशाली और जटिल social क्रियाएं जो कि groups में चलती रहती हैं, उन सबको group dynamics का नाम दिया गया। और एक खास बात क्या कि इनको modern psychology का जनक माना जाता है। कैसे? Social psychology है क्या? सोशल साइकोलॉजी इज लार्जली द स्टडी ऑफ द सोशल सिचुएशन, यानी हमको सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना है। फिर हमारी सामाजिक परिस्थितियां क्या है, अवर सोशल सिचुएशंस क्रिएट सोशल इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये सामाजिक परिस्थितियां सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैसे सामाजिक प्रभाव, द प्रोसेस, वो प्रक्रिया थ्रू विच, जिसके द्वारा अदर पीपल चेंज अवर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, मतलब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी और से, कि हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को, फीलिंग्स को दूसरे पीपल चेंज कर देते हैं, एंड थ्रू विच वी चेंज देयर्स, या हम किसी और की फीलिंग्स चेंज करें। तो लीविन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज पायनियरिंग वर्क दैट सोशल दैट यूटिलाइज्ड साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू लुक एट सोशल बिहेवियर, यानी कि इन्होंने सामाजिक व्यवहार को वैज्ञानिक तरीकों से और वैज्ञानिक प्रयोगों से करके निकाला। फिर इसीलिए लीविन ने साइकोलॉजी को क्या दिया है, सोशल साइंस का नाम दिया। लीविन ट्रीटेड साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, यानी कि उन्होंने मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान की तरह से माना है। ठीक है, तो आज वीडियो रिकॉर्ड करते समय बहुत सारा शोर हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, लेकिन आई थिंक कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। कर्ट लीविन, कहाँ कहाँ हम लोग को पढ़ना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फील्ड थ्योरी, एक्शन रिसर्च, ग्रुप डायनेमिक्स, और उनको सोशल साइकोलॉजी का जनक भी कहते हैं। फील्ड थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, फील्ड थ्योरी आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। ओके, डन।